हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। इस वीडियो में आप फ्लावर्स वैली के बारे में जानेंगे, इसकी क्या खासियत है और यहाँ किस किस प्रकार के फूल पाए जाते हैं और ये कहाँ पे स्थित है। सो लेट अस स्टार्ट। द वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। तो आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में भुईंदर गंगा के पास स्थित है। फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। द वैली ऑफ फ्लावर को यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी होल्ड्सवर्थ कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे, तब द वैली ऑफ फ्लावर्स की खूबसूरती से प्रभावित होकर स्मिथ ने 1938 में इस वैली से प्रभावित होकर इसके ऊपर एक बुक प्रकाशित की। द वैली ऑफ फ्लावर हिमालय क्षेत्र के पिंडर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी में स्थानीय अल्पाइन फूल, विविध जीव और आलीशान घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ सामान्य रूप से पाए जाने वाले फूल जर्मेनियम, मार्स, गेंदा, प्रिबुला, पोटेनियम, जियोम, तारक लिलियम, हिमाली नीला पोस्त आदि कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं। इन फूलों का प्रयोग दवाइयों और परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पे कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें भालू, ताहर, भारल, कस्तूरी मृग, लंगूर, लाल लोमड़ी और भी कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर 500 से भी अधिक प्रकार के जीव जंतु फूल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। द फ्लावर ऑफ वैली प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर है। इसकी सुंदरता देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह औषधि और कई प्राकृतिक जड़ी बूटियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये था एंड इस वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।